रेरा यानी कि एक ऐसा कानून जिसने भारत में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी बायर हैं, अगर आप डेवलपर हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम रेरा के ऊपर। जी हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस नए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक, और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर जरूर करना जो रेरा के ऊपर जानना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर मैं बात करूं रेरा का जो फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाली गवर्नमेंट अथॉरिटी आ चुकी है, गवर्नमेंट का कानून लॉन्च हो चुका है। दरअसल दोस्तों, जिस प्रकार से बैंकों को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है वो है RBI, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है IRDA, और भी जो भी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाली कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, गवर्नमेंट कानून होते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं और उस प्रकार से वो बड़े सफलतापूर्वक चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से 2016 यानी कि 1 मई 2016 को रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी की शुरुआत की गई थी, और 2017 से इसको प्रॉपर तरीके से वर्किंग में लाया गया। अब बात करें 2016 से पहले जो रियल एस्टेट में धोखाधड़ी की जाती थी, जो रियल एस्टेट में जो कमिटमेंट किए जाते थे एज अ बायर आपके साथ, है ना, बहुत सारे जो कंज्यूमर हैं वो लोग इस बहकावे में आते थे, उनको बताया कुछ और जाता था, फिर दिखाया कुछ और जाता था। कई बार क्या होता था, रजिस्ट्री में डिले हो जाती थी, 3-4 साल 5 साल 6 साल बाद रजिस्ट्रियाँ होती थी, और इसमें कंज्यूमर जो कस्टमर है वो कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उनके पास कोई कानून नहीं था इसके ऊपर। लेकिन अगर आज बात करें, आपके पास कानून आ चुके हैं, और एज अ डेवलपर के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कतें होती थी, जो बायर थे वो टाइम पे रजिस्ट्री अमाउंट जमा नहीं करते थे और इससे उनके प्रोजेक्ट में भी डिले हो जाता था, राइट। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जो 2016 से पहले चल रही थी, लेकिन आज वो सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं जब रेरा भारत में आ चुका है, ठीक है जी। यानी कि आज भी बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने रेरा अप्रूव नहीं करा है, लेकिन धीरे 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 वो लोग अवेयर हो रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड रेरा का जो सिंपल प्रोसेस होता है, आपको अगर आप 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, कुछ भी काम अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। एंड इससे क्या होता है, कस्टमर का फेथ बना रहता है, एज अ बायर का फेथ बहुत अच्छा बना रहता है, राइट। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी, होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने जानने वालों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि रेरा के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, राइट। सो थैंक यू सो मच, लेट्स प्ले बिग टुगेदर।